बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में देखिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। एंड दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिजिटल भारत पे के बारे में, और इसमें कुछ खास सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है एंड गाइस प्राइवेट सर्विसेज हैं, तो सारी सर्विसेज यहाँ पे मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो गाइस बिल्कुल भी स्किप ना करिए वीडियो को, और वीडियो की स्टार्टिंग से देखिएगा, और जो भी चीज़ अगर कुछ भी अगर जैसे रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो या रजिस्ट्रेशन करना हो आपको ऑनलाइन, तो उसके लिए भी मैं एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 100% सर्टिफाइड वेबसाइट है, सर्टिफाइड पोर्टल है एंड इसका एप्लीकेशन और आप वेब पे दोनों पे इसे चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के मामले में काफ़ी अच्छा ये पोर्टल होने वाला है आप लोगों के लिए, और खास करके ये भरोसेमंद पोर्टल है और आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सर्विस से रिलेटेड। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे कुछ सर्विसेज यहाँ पर है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज आप लोगों को चाहिए होती है तो यहाँ पे आपको APS मिल जाता है, जिसमें आप कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। फिर कैश डिपॉजिट आ जाता है, आप यहाँ पे सभी बैंकों में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं विद आधार नंबर के थ्रू। एंड गाइस मनी ट्रांसफर हो गया, आधार पे हो गया, माइक्रो ATM, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एंड लोन रीपेमेंट यहाँ पे है। और गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग जो है वो आपको डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी है, यहाँ पे क्योसिक नहीं है यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस जो है वो है लोन अप्लाई, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। एंड और सर्विस की बात करें बिल पेमेंट में, तो गाइस यहाँ पे सारी बिल पेमेंट्स की सर्विसेज आ जाती है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट एंड फास्टैग। एंड गाइस यहाँ पे बात करें लीगल सर्विसेज की, तो गाइस सर्विसेज काफ़ी हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लीगल सर्विस हो जाता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीशिप हो गया या पार्टनरशिप हो गया, 1% कंपनी हो गया, यहाँ पे किसी तरीके का भी कोई रजिस्ट्रेशन हो वो आप कर सकते हैं, बिजनेस एड्रेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज की, तो गाइस यहाँ पे कुछ फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज यहाँ पर हैं एंड वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, एक मिनट। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो आप GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 10 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और PF रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी का कोई लाइसेंस, किसी का कोई शॉप है उसका लाइसेंस आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म सबमिट करना है, इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, GST रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, सारी सर्विस है। बात करें गवर्नमेंट सर्विस की, तो गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट की सारी सर्विस आपको मिल रही है यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे पैन कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, आधार उद्योग मिल जाता है, आधार अपडेट मिल जाता है, वोटर ID, ई-श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड गाइस डेथ सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट एंड डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो मतलब विकलांग होते हैं उनके भी कार्ड्स आप यहाँ पे मतलब जैसे लाइसेंस या सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। ट्रैवल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बस बुकिंग है, RICTC यहाँ पर है, होटल बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग है। एंड गाइस अब मैं फाइनली आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या आपको इसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बताऊँगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है। एक तो आपको ID पासवर्ड जल्दी मिल नहीं पाता है, दूसरी बात ये है गाइस इसमें जैसे आप मेल करते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करते हो, तो मेल में आपको पेमेंट प्रूफ देना होता है एक बार, तब जाके ये कंफर्मेशन हो पाता है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हो तो वो एग्जैक्ट टाइम पे वो फिक्स नहीं हो पाता है। तो ये किसी के बहुत सारे भाइयों के प्रॉब्लम है, जो कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड भाई गाइस बात करें यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर आप देख सकते हैं 6000+, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 100+ एंड स्टेट हेड यहाँ पे 20% मतलब 20+ से भी ज़्यादा है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के कितने सारे स्टेट सिटीज़ में यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड गाइस यहाँ पे 5 लाख+ यहाँ पे पार्टनर्स यहाँ पे अवेलेबल है इस पोर्टल के। सो गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का होने वाला है, और आप इन एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप इसको लॉगिन करके अपना ID पासवर्ड लेने के बाद लॉगिन करके आप इसे चला सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे कुछ भाई कह रहे होंगे अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो हमको ID पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे ID पासवर्ड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इंस्टेंटली अपना ID पासवर्ड ले सकते हैं दोस्तों। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, और जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।